क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि मैं उन्हें क्या पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से पढ़ा रहा हूं और कौन से वीडियो लेक्चर में कौन सा टॉपिक अच्छे से खत्म करा रहा हूं। आज का वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का ही एक कॉन्टिन्यूड वर्जन है, लेकिन टॉपिक नया है, यूनिट वही है, कंटेंट वही है, मतलब वही है, क्योंकि कहानी वही है। तो यह जरूरी है कि अगर आप में से किसी बच्चे ने पार्ट 11, हां जी आज का वीडियो लेक्चर है पार्ट नंबर 11, अगर इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो मेरी उसे सजेशन है कि पार्ट 10 वीडियो लेक्चर देखना ना भूले, इनफैक्ट उससे पहले वाले भी, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स का सिलसिला काफी आगे बढ़ चुका है। एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स खत्म करने की कगार पे हैं, हम इसे जल्द ही खत्म कर देंगे कुछ एक आधे और वीडियो लेक्चर्स लाकर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिर से एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, जिसका जिक्र मैंने पार्ट 10 वीडियो लेक्चर में किया था। तो अगर गलती से आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी सजेशन है कि आज के वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के सभी लिंक शेयर कर दिए, देखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक, छोटा सा लेक्चर है, लंबा नहीं जाएगा क्योंकि टॉपिक छोटा है, और जो अगला टॉपिक आएगा वो आज की बातों पर बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो आज के इस लेक्चर में हम दो चीजें करेंगे, एक जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या होती है जल्दी समझ आएगी, छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार 2 से 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछ ली जाती है, थ्योरी का टॉपिक है ये, पूरी यूनिट थ्योरी के, इनफैक्ट इसमें न्यूमेरिकल्स कराने वाले टीचर करा देते हैं, मैं भी करा देता हूं, लेकिन अगर नहीं भी कराएंगे ना तो कोई गम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इस यूनिट से थ्योरेटिकल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, रीजनिंग आते हैं, व्हाट व्हाई गिव रीजन, क्या सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल है, बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी आई शुड नॉट टेक अ रिस्क ऑफ नॉट मेकिंग यू प्रैक्टिस, और मैं कराता भी हूं अपने सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। सो कमिंग बैक टू जो मैं कह रहा था कि पहला टॉपिक हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक बच्चा बोला ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा समझाऊंगा, सीधा सीधा मान लीजिए कि मेरे पास एक पाइप है और उस पाइप का ये ओपनिंग है, और इस पाइप का एक दूसरा छोटा सा हिस्सा है, ये इस तरह से ये एक छोटा सा हिस्सा है। एक बच्चा कहता है सर ये कैसा पाइप है, यहां से बड़ा है और वहां से छोटा है, क्यों ऐसे पाइप हो नहीं सकते क्या, हो तो सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड बाहर एंटर कर रहा है, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो है A1, इसका जो एरिया है वो है A2, यहां पे जिस गति से लिक्विड एंटर कर रहा है वो गति V1 मान लेते हैं, और जिस गति से लिक्विड बाहर निकल रहा है उस गति को V2 मान लेते हैं। अब जो मैं आपसे बात कहूंगा वो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, अगर आप नोटिस करें एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी अगर मैं एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब मैं मीटर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है मीटर क्यूब प्रति सेकंड। बात तो सही है, यानी अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा पॉइंट ए है और मैं कहता हूं कि ये मेरा पॉइंट बी है, तो क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट ए पे एंटर करने वाले पानी की वॉल्यूम प्रति सेकेंड इज गोइंग टू बी A1 B1। एक बच्चा कहता है सर A1 B1 कैसे, मैं जानना चाहता हूं, वेरी सिंपल, A1 मतलब एरिया, V1 मतलब वेलोसिटी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि यहां से जो पानी एंटर कर रहा है वो है मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बच्चे ने कहा हां ठीक है,
पानी की वॉल्यूम प्रति सेकंड जो एंटर कर रही है, यानी पॉइंट ए पे एंटर करने वाले पानी की वॉल्यूम प्रति यूनिट सेकंड। अब मैं बोलने वाला हूं पॉइंट बी से, सुनना मेरी बात, पॉइंट बी से बाहर, पॉइंट बी से बाहर आने वाले, बाहर आने वाले पानी की वॉल्यूम, बाहर आने वाले पानी की वॉल्यूम प्रति सेकंड इज इक्वल टू ए टू बी टू। बोलो ए टू बी टू होगी या नहीं होगी? एक बच्चा गलत, एक बच्चा बोला हाँ सर बात तो सही है। जब आप यहां पे एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आने वाली वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो यहां पे आप एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके बाहर निकलने वाली वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्या? बेशक निकाल सकते हैं, वही तो मैंने किया है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इससे आप सिखाना क्या चाहते हो सर? सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? हाँ ये बात सही कही आपने कि मैं सिखाना क्या चाहता हूं। तो ये हो गई एंटर करने वाले पानी की वॉल्यूम, ये हो गई बाहर आने वाले पानी की वॉल्यूम। एक बच्चा कहता है सर आपको क्या लगता है कि दोनों पानी की वॉल्यूम बराबर होगी? भाई मुझे तो नहीं पता। एक बच्चा कहता है सर मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगी। मैं तो कैसे कह रहा सर, यहां से ज्यादा पानी एंटर कर रहा है, यहां से पानी कम बाहर निकल रहा है क्योंकि पाइप छोटा है। हाँ एक बार को आपकी बात मैं सुन सकता हूं, एक बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा दूसरा सवाल, अगर मैं इस वॉल्यूम जो एंटर कर रही है और इस वॉल्यूम जो बाहर निकल रही है की बजाय मैं यहां पे लिखूं मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए, एंटरिंग एट पॉइंट ए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर मास क्या होगा मेरे बच्चों? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ए पे जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका मास क्या होगा? उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए वन बी वन। बोलो मेरे बच्चों कोई डाउट वाला जी वन। अब ये अगर लिक्विड के उस मास की वैल्यू है जो एंटर कर रहा है, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ लिक्विड जो कि बाहर आ रहा है, यानी वो लिक्विड जो बाहर आ रहा है कमिंग आउट ऑफ पॉइंट बी, कमिंग आउट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि जो मास बाहर आ रहा है वापिस से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए टू इंटू वी टू। अब बच्चा बच्चा जानता है कि यार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, हम अगर ये मान के चले, मान के क्या चल रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जितना मास यहां से एंटर करेगा उतना मास यहां से बाहर निकलेगा। एक बच्चे ने कहा सर आपने दोनों फॉर्मूले में एरिया अलग रखा, वेलोसिटी अलग रखी, एरिया अलग रखा, वेलोसिटी अलग रखी, ये डेंसिटी आपने सेम कैसे कर दी? क्यों वहां से यहां आते आते क्या लिक्विड की डेंसिटी छेद जाएगी? ऑब्वियसली बात है कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल माना जा रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि लिक्विड की डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, देयरफॉर मास एट ए इज इक्वल टू मास एट बी। सो व्हाट इज मास एट ए? इट इज रो ए वन बी वन इज इक्वल टू रो ए टू बी टू। सो रो से रो कैंसल, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसका मैंने आप सभी के सामने फाइनल एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दिया है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। सो मेरी आपको सजेशन है कि जो मैंने है बताया, जो मैंने है समझाया, जो मैंने है बोर्ड पे लिख के दिखाया, आई होप मेरे सभी प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को यह समझ आया। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि ये जो लेक्चर है ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इस छोटे से लेक्चर में जो बातें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आपको अच्छे से समझ आनी जरूरी है। सो जो पहली बात मुझे बतानी थी वो यही थी, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसका एक्सप्रेशन होता है ए वन बी वन, कहां गया भाई कहां गया, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। अब एक बच्चे ने फट से पूछ डाला कि सर इसका मतलब क्या है? आओ इसका मतलब भी समझाता हूं। ये देखो यहां मैं लिख सकता हूं कि सिंस ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी टू अपॉन बी वन। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह हुआ कि A1 is inversely proportional to V1, और मैं कह सकता हूं कि A2 is inversely proportional to V2। यानी इस बात का क्या मतलब है? इस बात का साफ 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 ये मतलब है कि यहां पे
एरिया है ज्यादा तो गति है कम, यहाँ पे एरिया है कम तो गति में है दम। और ये बात तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। एक बच्चा कहता है नहीं सर मैंने तो कभी नहीं सुनी। अच्छा नहीं सुनी तो अपने हाथों से परफॉर्म करते आ रहे हो। एक बच्चा कहता है मैं और ये कब किया मैंने, मैं तो बचपन में 11th क्लास की कोई बात पढ़ी नहीं। मत बोलो, कितनी बार हम लोगों ने गार्डन में पानी देते समय हमें पानी देने में इतना मजा नहीं आता था जितना उस पानी के पाइप को आगे से प्रेस करके पानी की बुहार यानी पानी की जो फ्लो होता है उसे तेज करने में आता था। क्योंकि एरिया पानी के पाइप को दबाकर हम कर देते थे कम, क्योंकि एरिया पानी के पाइप को दबाकर हम कर देते थे कम, इसलिए पानी के पाइप से निकलने वाले पानी की गति में आ जाता था दम। क्योंकि एरिया पानी के पाइप का हम दबाकर कर देते थे कम, इसलिए पानी के पाइप से निकलने वाले पानी की गति में आ जाता था दम। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गति। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये बात इतनी ही सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टॉपिक में ये काम आती है तो बताना मैंने ठीक समझा। अब सवाल आता है सर आगे आने वाला टॉपिक ऐसा कौन सा है जहां ये काम आ रही है और ऐसी कौन सी बात है जो और भी काम आ सकती है। तो आज का वीडियो लेक्चर इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर का एक बेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो अगला वीडियो लेक्चर होगा ना वो फिजिक्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है। क्योंकि उस लेक्चर में जो मैं पढ़ाता हूं वो टॉपिक ही इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इनफैक्ट वो डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आती है जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्या होती है बर्नौलीज थ्योरम, जल्दी जान जाओगे घबराओ मत। लेकिन उसको सुनने से पहले उसको समझने से पहले जो बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो तो आपको कम से कम जानने का राइट है ना। तो उन सभी बातों में से एक बात ये है जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात हमारा अगला टॉपिक है प्यारा सा ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड, यानी लिक्विड के द्वारा विभिन्न प्रकार की एनर्जी क्या हो सकती है। तो एक लिक्विड क्या क्या एनर्जी पोजेस कर सकता है, एक लिक्विड के द्वारा क्या क्या एनर्जी होती है जो वो पोजेस करता है वो मैं आपको पढ़ाने हूं जा रहा और एक छोटी सी बात हूं यहां पे सिखाने जा रहा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दीजिए अपना पूरा ध्यान और अटेंशन ताकि आपको सब कुछ समझ आ रहा। तो यहां पे एक छोटी सी हेडिंग डाल देता हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। यहां पे ध्यान दीजिएगा डिफरेंट types of energies, different types of energies possessed by a liquid, possessed by a liquid, यानी एक liquid के द्वारा विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या हो सकती है। एक liquid के द्वारा तीन चीजें उसके पास हो सकती हैं। एक उस liquid का pressure, दूसरा उस liquid की position और तीसरा उस लिक्विड की गति। उस लिक्विड की गति, गति का मतलब वेलोसिटी, पोजीशन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो लिक्विड की हाइट कितनी है भाई, और प्रेशर आप अच्छी तरह जानते हैं कि लिक्विड प्रेशर तो लगाता ही लगाता है। तो प्रेशर के कारण जो ऊर्जा हमें पढ़नी है या जो ऊर्जा हमें निकालनी है उसे कहा जाता है प्रेशर एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो ऊर्जा हमें पढ़नी है या जो ऊर्जा हमें निकालनी है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन के कारण जो ऊर्जा हमें पढ़नी है या जो ऊर्जा हमें निकालनी है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा कहता है सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो मैं बचपन में भी पढ़कर आया हूं, इनका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे m लिक्विड का मास होगा, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी और h लिक्विड की हाइट मान लिया जाएगा। वेलोसिटी हमें पता है तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे लिक्विड का मास m होगा वेलोसिटी v होगी। तो फिर तो ऐसे में ये भी कह सकता हूं कि लिक्विड का प्रेशर सीधा उसका प्रेशर होगा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। हाँ ये बातें मैं सीधा सीधा कह सकता हूं। सो लिक्विड तेरे प्रेशर के कारण जो होगी तेरे पास ऊर्जा, लिक्विड तेरी हाइट के कारण जो होगी तेरे पास ऊर्जा, लिक्विड तेरी गति के कारण जो होगी तेरे पास ऊर्जा, उस हर ऊर्जा का नाम कुछ ना कुछ है। तो लिक्विड के प्रेशर के कारण जो होती है ऊर्जा उसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी, लिक्विड की हाइट के कारण जो होती है ऊर्जा उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और लिक्विड की गति के कारण जो होती है ऊर्जा उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये बातें समझ आ रही है। लेकिन इन बातों को
जब आप बुक में ओपन करके देखेंगे तो एक थोड़ा सा अलग स्टाइल में बताया गया है। क्या अलग स्टाइल में बताता हूं, खास करके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए किताब में इतना नहीं कहा गया है जितना आप नोटिस करेंगे बच्चों प्रेशर एनर्जी के लिए कहा गया है। क्या कहा गया, सुनना मेरी बात। ये देखो, ये कहता है प्रेशर एनर्जी, सुनेंगे मेरी बात, मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एनर्जी उस काम या उस वर्क डन को कहा गया है जो किया जाता है पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, या जो किया जाता है पानी के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। एक बच्चा बोला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, नहीं समझे तो अब समझाता हूं। इस बात को समझाने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पे मान लीजिए कि एक पिस्टन मौजूद है, ये एक पिस्टन है और ये बाहर से इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कि यहां से इस पिस्टन पे प्रेशर आ रहा है और इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस पिस्टन का एरिया ए है और अंदर यहां पानी है। तो इस पानी की कुछ तो हाइट होगी, बिल्कुल होगी जी, हाइट होगी। अब अगर इस पानी की हाइट है तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना लग रहा होगा, वो प्रेशर लग रहा होगा एच रो जी, यानी हाइट एच प्रेशर लगा दिए। अब अगर इस पिस्टन पे आप कुछ फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स कैसे निकालोगे, मैं आप लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सब जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे मान लेते हैं एक्स। क्यों मान लेते हैं कि ये पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस एक्स मूव किया पानी के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। यानी पानी कहता है मैं अपने प्रेशर से पिस्टन तुझे बाहर फेंकूंगा। हम कहते हैं कि ए पानी, तू अपने प्रेशर से पिस्टन को क्या भार लगाएगा, हम बाहर के फोर्स से तुझे बैलेंस कर लेंगे। यानी जो मेहनत हम कर रहे हैं वो तो पैक्स हो गई, पैक्स मींस पी ए एक्स। अब इस पैक्स की बात अगर मैं करूं तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन पर यूनिट मास की अगर मैं बात करूं, पर यूनिट मास, तो भैया पानी तेरा मास क्या है, तू ये बता पानी तेरा मास क्या है। तो अगर मैं पानी के मास की बात करूं मेरे बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो पानी का मास यहां से खिसका उस पानी के मास की वैल्यू होगी पानी तेरी डेंसिटी, तेरी वॉल्यूम की जगह मैं पुट कर सकता हूं तेरा एरिया और तेरी डिस्प्लेसमेंट, यानी रो ए एक्स, ए इसका एरिया और एक्स, क्योंकि मैं अभी इतने ही पानी की बात कर रहा हूं जो पानी खिसका होगा अंदर, क्योंकि उसी पानी के मास पे इतना प्रेशर लगा। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर, सुनना मेरी बात, प्रेशर अप्लाइड पर यूनिट मास या रेदर मुझे कहना चाहिए वर्क डन पर यूनिट मास इज पैक्स डिवाइड बाय रो ए एक्स, कैंसल, इट कम्स आउट टू बी पी बटा रो इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात मेरे द्वारा इस तरीके से बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप जब किताब खोलेंगे तो किताब में भी आपको ये सारी बातें नजर आएंगी। एक बच्चा कहता है सर आपने ऐसा क्या बहुत बड़ा कारनामा थोड़ा किया है, आपने बस प्रेशर को और मास को डिवाइड कर दिया। हाँ बात तो सही है, मैंने प्रेशर न्यूमिनेटर में रखा है और मास डिनोमिनेटर में रखा है। इसका मतलब कि मैंने एक्सप्रेशन जो निकाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का। एक बच्चा कहता है बात तो सही है, आपने एक्सप्रेशन निकाला है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का। बच्चा कहता है इतना इस पे एम्फेसिस क्यों डाल रहे हो, इसलिए कि अगर मैं प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम निकालता तो प्रेशर तो आया था मेरा पैक्स और वॉल्यूम होती मेरी एक्स,
तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम में पैक्स अपॉन एक्स में एक्स एक्स करना तो मुझे प्रेशर ही मिलता, यानी प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम में मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर ओनली, ये वही प्रेशर है जो लिक्विड लगा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने शुरुआत में ही हरे डब्बे में ये चीज मेंशन कर दी थी कि भैया लिक्विड तेरी प्रेशर वाली ऊर्जा कुछ और नहीं है, तेरा प्रेशर ही है। भैया लिक्विड तेरे पोजीशन वाली ऊर्जा कुछ और नहीं है, तेरी पोटेंशियल एनर्जी ही है, यानी जो हाइट तेरे पास है वो एमजीएस तेरी पोटेंशियल एनर्जी है। एक बच्चा कहता है सर जिस तरीके से आपने वहां पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकाली है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली है, ठीक उसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाल सकते थे। हाँ, मैं एमजीएच को अगर एम से डिवाइड करूं तो ये आती है पोटेंशियल एनर्जी प्रति यूनिट मास। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मैं कहता हूं एक बार देख लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि दो बार भूल लीजिए। अगर आ जाता है फिर भी मन में कोई सवाल तो आपको मना किसने किया पूछने से, फिर मेरे बच्चों आप जरूर इस बात को पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। तो पिछले 20-22 मिनट से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो सारी की सारी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है उसमें ये काम आएंगी। यानी हमारी इस यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स, उसका अगला टॉपिक इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन टू बेसिक टॉपिक्स, वन विच इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड द अदर विच इज कॉल्ड एज वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। तो एक बच्चा कहता है सर आपने तो खत्म कर दिया ये वाला टॉपिक, आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी बता दिया और आपने लिक्विड के द्वारा पोजेस किए जाने वाली तीनों प्रकार की ऊर्जा के बारे में भी बता दिया। बेशक बता दिया, लेकिन आपको मैंने ये सब कुछ जो बताया है, मेरी सजेशन है कि एक बार किताब खोल के जरूर वेरीफाई कर लेना ताकि जो मैंने बताया है वो आपको समझ आ जाए। अब आपको करना है बस थोड़ा सा ही इंतजार, लेकिन याद रहे कि जब जब आपसे मैं करवाऊंगा इंतजार, आपको बदले में नहीं करना है अपना समय बेकार। लौट के आऊंगा एक बार फिर से, आज मैंने पढ़ाया वीडियो लेक्चर नंबर 11, लौट के आऊंगा बच्चों मैं दोबारा क्योंकि अगला वीडियो लेक्चर नंबर होगा 12। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, या कमेंट नहीं किया है, या लाइक नहीं किया है, अरे ये सब करो ना करो, एक चीज तो जरूर करो, मेहनत, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो इन सब का सिलसिला शुरू करें। फिर से लौट कर आऊंगा, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों।